बैकग्राउंड शॉट्स देखें, ये बटाकुंडी के थे। सुबह रात को बटाकुंडी में ठहर गए थे कि होटल में, एक उसका नाम था ताज पर कॉन्टिनेंटल नाम था उसका, उधर ठहरे थे। और सोच के ये सुबह हमने ड्रोन शॉट्स लिए थे। तो अब जो है अब नारायण वापस आ गए थे, मैं तो वहाँ पे बैठे हैं, कुछ नाश्ता वगैरह किया है होटल में अपने होटल में। और अब मैं झील सैफुल मलूक की तरफ जा रही हूँ, ये जीप वहीं से ही हायर की है। वो तो ये झील सैफुल मलूक के ही होटल में उसमें ये ठहरे थे, सयाम हाइट्स होटल का नाम है, तो वहाँ पे ठहरे हुए थे। तो वहीं से ये जीप हायर की है, तो अब हम उस तरफ झील सैफुल मलूक की तरफ जा रहे हैं। पूरा रास्ता मैं कोशिश करूँगी मैं आपको दिखाऊँ पूरा रास्ता। मेरी अम्मी जो है, ये अम्मी को मैं अपनी डेडिकेट करूँगी, क्योंकि वो जो पहली दफ़ा भी हम गए थे तो वो अम्मी जो है मेरी जा नहीं सकी थी, तो ये उनके लिए है। झील सैफुल मलूक तक अब जीपें जाती हैं, ये यहीं से अगर आप वो जीप हायर करें और ये आगे तक ले जाती हैं आप। अच्छा,
लेते हैं, ये कुछ रोड ठीक बनी हुई है। आपका भी कितने महीने चलता है ये? अभी लोग आएंगे और आएंगे एक महीने और, नवंबर दिसंबर के बाद। अच्छा, अभी क्या बर्फबारी शुरू हो जाएगी यहाँ पे? अभी बस बर्फ के ही सीजन है। थोड़ा सा रहते हैं ग्लेशियर, सबसे बड़ी रुकावट ग्लेशियर ही होती है ना। ग्लेशियर जो पहले आता था तो वो खत्म हो गया है ना, आपको नहीं नजर आया? नहीं, वो स्कोपो से अभी करते हैं, अभी अभी नीचे से रोड से जा रहे हैं। अच्छा, पहले ग्लेशियर के ऊपर से जाते थे, वो अभी खत्म हो गया, एक माह पहले खत्म हो गया। अच्छा, जब अगर शुरू हुआ ना तो तब भी था। मालीदा कमी पानी देना ते पर परी मशीक पावे, मालिक दा कमी फल फूल देना के लावे या ना लावे। ते लोए लोए पर ले कुड़िए ते जे तुद पांडा परे ना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद के घर जांदी ने डरना। ओए आमी आमी नाचवी, ओए बिछड़े सजो मिले जिना, शुक्र पड़ा लखे बारी ते जे कुछ खटना खट ले बंदिया ते सौदा ऐसे बाजारों, रोज माशो रो जन्नत हो सी ते फजल हो सी दिले बारों। ते चढ़िया चने विसाखा वाला ते बसाखा चो वटाया, चोली दे विच लड़का खेड ते सैफ मलू किश ज़्यादा, ते कौन कोई तू किथो आया, सूरत वांग जवाना शेर दलेर बहादुर सोना ते दिस दारू के जुबाना। वह परी कहंदी छड़ खेड़ा मेरा हट जा जिधरों आया, वह मैं परी तू आदम जादा के किस मसीबत तो चाया, ते आदम जाते बेफाई होंदी परियां जाते सफाई, वे बेकदरां दी उल्फत मंदी ते नीचां दी उशनाई, वे नीचां दी उशनाई कोलो ते फैज कसे नी पाया, किकर ते आंगूर चिराया के हरे गुच्छा जखे माया, तेले वे यारे हवाले रब दे ते मेले चार दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी ते जिस दिन फेरे मिलांगे।
अब हम ये झील सैफल मलूक से वापस आ रहे हैं। ये फिर उसको टाइम दिया था, उसी टाइम पे वो जीप वाला फिर पहुंच गया था। तो अब हम होटल जाएंगे, वहाँ से चेकआउट करेंगे, अब क्योंकि फिर वापसी की तरफ इस्लामाबाद की तरफ निकल जाएंगे हम लोग। ये अभी हम इधर झील सफल मुल्क से वापस आ रहे हैं। तो आज मैं आपको नया रास्ता दिखाऊंगी। ये बालाकोट से भी इंटरचेंज बन गया है हज़ारा मोटरवे का। तो उस रास्ते से हम फिर वापस आए थे इस्लामाबाद। तो ये अभी हम बारिश शुरू हो गई है, देखें बारिश रास्ते में शुरू हो गई थी और रास्ते में ग्लेशियर्स वगैरह बहुत खूबसूरत लगते हैं। सड़क बहुत ख़राब है, ये सड़क को अगर अच्छा कर दिया जाए तो थोड़े से पैचेज ही हैं, अगर इसको भी अच्छे कर दिए जाएँ तो ये रास्ता अच्छा हो जाए। सफल मलूक में काफ़ी अगर गंदी हो, गंदा कर दिया लोगों ने, साफ़ सुथरा रखे जाएँ तो ये सही हो सकता है रास्ता। ये हज़ारा मोटरवे या पारे जो मानसेरा से जो रास्ता जाता है, तो ये अभी हमें एक नई इंटरचेंज मिला है। ये बालाकोट से भी अभी निकाल दिया इंटरचेंज, आप बालाकोट से भी जा सकते हैं नारायण वगैरह की तरफ। पहले तो ना मानसेरा से रास्ता था, ना मानसेरा से और हवेलियाँ से रास्ता था, पहले एबटाबाद से भी जा सकते हैं, लेकिन ये उससे बहुत आसानी हो गई है अब। वो बस थोड़ी सी रोड खराब थी। इसलिए आपको रास्ता तो सही से समझ नहीं आएगा क्योंकि रात हो चुकी है, लेकिन ये है कि एक ये नया रास्ता से इस्लामाबाद वगैरह और जा सकते हैं, बालाकोट से है ये। तो होटल की फ्लाइट है। इसके ऊपर साइन के ऊपर क्या लिखा है? खुदा हाफिज लिखा है। खुदा हाफिज इमरजेंसी नंबर पुलिस। अच्छा गाड़ियां आ रही हैं बस। हां गाड़ियां करा रहे हैं। इसको ठीक कर दे। हज़ारा मोटरवे में बालाकोट इंटरचेंज से आ गए हैं। ऐसे ही तो पूछते हैं, लेफ्ट और राइट। हाँ नहीं अब है ना इंटरचेंज, बालाकोट इंटरचेंज है ना, तो उस पर आ जाएंगे हम लोग। हाँ ये ना हो कि हम वापस नारायण चले जाए। ये वही वाला मोटरवे जो उन्होंने बनाया, ये पुलिस वालों से पूछना चाहिए। हाँ चलो बंद करते हैं। वो पढ़े लिखा हुआ क्या है बताओ भाई। बालाकोट रियाल बालाकोट। अच्छा लेफ्ट बालाकोट है, ये भी बालाकोट का रास्ता है। ये भी अभी तक ये अभी हम बांध लीजिए मानसेरा।
13 इंटरचेंज थी ये मानसर। एग्जिट में वेट लिखा है एग्जिट। ओके डू यू वांट टू क्लोज इट ओके और वेट। इस्लामाबाद हज़ारा मोटरवे पे अब दाखिल हो रहे हैं मानसेरा से। अब निकल रहे हैं मानसेरा से और इस्लामाबाद के लिए मोटरवे पे चढ़ रहे हैं। पता कर लें अभी।